निजा निजाम कुल समाने दा सरकार चला देने। मैं आज कोई कथा नहीं पढ़ना, कोई रुबाई नहीं पढ़ी, लेकिन तुसी जुमला जाया कीता भी। फिर सुनो, निजाम कुल जमाने दा सरकार चला देने, सरकार चला देने। कारी साहब, रिज़क खुदा देंदा ते मुस्तफा वरता देने, रिज़क खुदा देंदा ते मुस्तफा वरता देने, रिज़क खुदा देंदा ते मुस्तफा वरता देने। उलमा दाएं साइड से भी और बाएं साइड से भी तो हदीस दा मतन शायद लिखता वे, पत्थर नो बुला देने ते अंज विक्रम कमा देने, बल्कि पत्थरा नो बुला देने ते अंज विक्रम कमा देने। सजाद बुलंद करके कहो सुभान अल्लाह। पत्थरा नू भी कोल बुला देने ते अंज विक्रम कमा देने, अंज विक्रम कमा देने। आय हाय हाय मुखड़वी साहब किस करम करम कमांदे ने, दूध दा एक प्याला है। आय हाय हाय दूध दा एक प्याला है ते सत्रह नो पिला देने, दूध दा एक प्याला है। ये है जड़ा शेर कारी साहब ने पढ़े है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला नु कहते हैं मुझे बड़ी भूख लगी थी, तो मैं बड़ा परेशान था, तो थोड़ी देर गुजरी तो सरकार के पास किसी ने दूध का एक प्याला बतौर तोहफा पेश किया। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मैं खुश हो गया कि अब गैबदान नबी मुझे ही ये दूध का प्याला अता करेंगे। लेकिन हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा, मैंने फौरन कहा लब्बैक या रसूलल्लाह, मुझे पता था हुजूर ने कहना है कि ये पी लो। फरमाया अबू हुरैरा जाओ अपने पीर भाइयों को बुला लाओ, सहाबा को आवाज दो। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं जो सोच रहा था उसके बरक्स हुजूर ने कहा, अब जितने भी मौजूद थे ना उनको मैंने बुलाया तो उनकी तादाद बनी 70। तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर अली सलाम ने सबको फरमाया ये पी लो पी लो, सब ने 69 ने पिया, जब आखिर में मैं रह गया तो हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम भी पी लो। सब ने पिया लेकिन अबू हुरैरा फरमाते हैं खुदा की कसम सब के पेट भर गए मुंह फिर गए पर दूध का प्याला उसी तरह भरा हुआ नजर आ रहा।
आला हजरत भी फरमाते हैं, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फूल गया। पत्थरानू भी बना दे ने ते अंज विक्रम कमा दे ने अंज विक्रम कमा दे ने दुध दा एक प्याला है ते 17 नो पिला दे। ऐसा रात कद के सारे गज के कहना में सुभान अल्लाह। दुध दा एक प्याला है, हाँ दुध दा एक प्याला है ते 17 नो पिला दे ने। और हजूर इश्क दा मकाम वेख लो ते गुलाम ते इनाम वेख लो। गुलामों गज के कहो सुभान अल्लाह। इश्क दा मकाम वेख लो गुलाम ते इनाम वेख लो। तुसे जदो इनाम गुलाम दा ना सुनना ना गज के इंशाल्लाह तुहाडे रूह तुहाडी माशाल्लाह मुनव्वर हो जानी है। शेर कहंदा वे इश्क दा मकाम वेख लो ते गुलाम ते इनाम वेख लो। गुलाम ते इनाम वेख लो। ओवैस वल रसूलुल्लाह ओवैस वल रसूलुल्लाह सलाम पे कलेंदे ओवैस वल रसूलुल्लाह ओवैस वल रसूलुल्लाह सलाम पे कले देने निजाम कुल जमाने दा सरकार चले देने रिजक रिजक खुदा दे दा ते मुस्तफा वरता देने। सुभान अल्लाह जेड़ा मुस्तफा दा खांदा वे गज के कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह हाँ आ गए मुजदा शिफात का सुनाने वाले। हमारे बड़े भाई जानकारी आजम चिश्ती साहब इन्होंने तो बड़ा बड़ों को सुना है, न्याजी साहब को जहूरी साहब को, पुरानी तर्ज है पुराना कलाम है, बड़ा मजा लेंगे आप। हाँ आ गए मुजदा शिफात का सुनाने वाले आ गए मुजदा शिफात का सुनाने वाले सरकार की आमद। दोनों हाथों को झंडा बना के कहना है सरकार की आमद दिलदार की आमद सरवर की आमद दिलदार की आमद लजपाल की आमद सरदार की आमद
अनवर की आमद बशीर की आमद नजीर की आमद मरहबा आ गए मुजदा शिफात का सुनाने वाले आ गए मुजदा शिफात का सुनाने वाले बोलो 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 आ गए मुजदा शिफात का सुनाने आ गए मुजदा शिफात का सुनाने वाले नारे दोजख से गुलामों को बचाने वाले नारे दोजख से गुलामों को बचाने हमारा अकीदा और ईमान है सारे हजूर के गुलाम हैं हाथों को झंडा बना कर कह दिए जिए पढ़िए पढ़िए नारे दो सख से गुला को बचाने वाले नारे दो सख से गुला को बचाने और कारी हबीबुल्ला चिश्ती साहब शायर बड़ा प्यारा शेर लिखता है तू चला सकती नहीं सुन दे जहन्नम हमको तू जला सकती नहीं जहन्नम सुन ले हमको क्यों क्योंकि हम तो हैं जश्न विलादत के मनाने वाले हम तो हैं जश्न विलादत के मनाने वाले हम तो हैं जश्न हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे हश्र में भी उनकी शफाअत के हवाले होंगे नूर आँखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज निराले होंगे शाफ़े हश्र की रहमत उन्हें दो डालेगी जो वर्क दफ्तर आमाल के काले होंगे खुद को नामूस मोहम्मद पे जो कुर्बान करे खुल्द के वाली वारिस वो जयाले होंगे जन्नती वो है जिन्हें उनकी शिफात पे यकीन वो जो मुनकिर है जो फंदन के हवाले होंगे सुभान अल्लाह शहर भाई मरहबा समातों की नजर है मुकद्दर में बुलंदी बुलंदी अपने कच के कब सुभान अल्लाह है मुकद्दर में बुलंदी ही बुलंदी अपने क्यों क्योंकि हम तो हैं कदमों में सर उनके झुकाने वाले हम तो हैं उनके हम तो हैं कदमों में सर उनके झुकाने वाले हम तो हैं कदमों में सर उनके झुकाने वाले हम तो हैं उनके वकारी हबीबुल्ला चिश्ती साहब करके एहसान जताना नहीं शान उनकी सुहाग लाल करके एहसान जताना नहीं है शान उनकी गज के कब सुभान अल्लाह करके एहसान जताना नहीं शान उनकी आए हाय अरे और होते हैं वो
एहसान जताने वाले और होते हैं वो एहसान जताने बोल बोलो और होते हैं वो एहसान और हर एक ने मर जाना है हजूर के सना खानों की क्या शान होगी सना खान क्या कहेगा मर के पहुंचा जो मर के पहुंचा जो लहद में थुन कीरों ने कहा सुहागला शायद भाई तुहाड़ी साड़ी गल है जेड़ा भी सरकार दे इस नाखानी करता वे सारे नाखाना दी गल है मर के पहुंचा जो लहद में तो न कीरो ने कहा क्या कहा अरे मरहबा मरहबा नात शहीदी के सोना ने बाले मरहबा मरहबा नारा रिसाला सरकार की आमद दलदार की आमद अरबल की आमद लजपाल की आमद मरहबा नाद शहीदी की सुनाने वाले मरहबा 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 नाद शहीदी की सुनाने वाले आ गए मुजदा शिफात का सुनाने वाले पर इस कलाम का जो मक्ता कराची वाले ओवैस अदा कादरी साहब उन्होंने ये कलाम लिखा है आप लिखते हैं काश 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 सरे हशर कहें मुझसे सरकार उबे गज के कबर सुभान अल्लाह काश सरकार काश सरकार सरे हश्र कहे मुझसे उबे क्या कहे दिल खुश हो जाएगा आ जा दामन में मेरी नात सुनाने वाले आ जा दामन में मेरी नात सुनाने वाले आ जा दामन में मेरी नात सुना ने वाले आइए आखिर में दो अशार मियां मोहम्मद बख्श आप विकड़ी शरीफ आपने पूरी जिंदगी लिखने के बाद अपने आप को मुखातब करके जो इस जिंदगी का मकसद बयान किया है आपने वो अशार जो लिखे मैं आप किस्मतों की नजर करने लगा हूं गज के एक मरतबा कहिए सुभान अल्लाह ऐ दुनिया ऐ दुनिया ऐ दुनिया दिन चार दिहाड़े की तो ले जाना यार बना ले तो कमली वाला यार बना ले तो कमली वाला
जे तू जन्नत जाना मियां साहब ने लिखने के बाद जो रिजल्ट निकाला है अपने आप को मुखातिब करके कहते हैं हम बस कर मियां अब बस कर मियां मोहम्मद बख्शा मोड़े मोड़े कलम ता कोड़ा बस कर मियां मोहम्मद बख्शा मोड़े कलम दा घोड़ा सारी जिंदगी और दुख नहीं मुकने सारी सारी जिंदगी और दुख नहीं मुकने ते बरका बरका रह गया थोड़ा सारी सारी जिंदगी दुख नहीं मुकने दुख नहीं मुकने सारी जिंदगी और दुख नहीं मुकने ते बरका 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 रह गया सुभान अल्लाह। जिस जिसको कारी साहब का मजा एक दफा के सुभान अल्लाह।